मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 जो 28 तारीख को इस सदन में प्रस्तुत हुआ, आज उस पर आपने विचार करने का और पारित करने के इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मैं अभी सुन रहा था आदरणीय दीपक जी को, मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वो आदिवासी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस विधेयक के संशोधन को उन्होंने समर्थन दिया है, तो निश्चित तौर से मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की जनता के भी माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि ये बरसों की मांग थी। आखिर ये 2022 में जो अमेंडमेंट लेकर के माननीय मंत्री जी आए, ये अमेंडमेंट क्या है? वो उन जनपदों को शामिल किया है जिन जनपदों के लोगों का हक था कि जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, चाहे वो हमारे गोंड समाज के हों, धूरिया समाज के हों, या उपजातियां जो भी प्राय आती हैं, खरवार हों, इन जातियों को शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में इनको शामिल करने का विषय था, बरसों से लंबित था। और मैं तो इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देश के आदिवासियों के कल्याण के लिए मैं आऊंगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर देश के आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, जो आज पूरे देश में जो हमारे ट्राइबल्स हैं, उन ट्राइबल्स के लिए अगर काम किया है, तो निश्चित तौर से हमारी नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है। इसलिए किया है कि आज चाहे इस ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट हो, चाहे ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से उन तमाम देश के जो जंगलों में रहते हों आदिवासी, या चाहे नदियों के किनारे, या चाहे नॉर्थ ईस्ट में हों, चाहे आदिवासी हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे सोनभद्र में हो, चाहे यूपी हो, देश के, दुनिया के तमाम हिस्सों में उनके लिए किया। और उसका एक प्रमाण है कि उन आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए अगर ये काम किया है, तो आज ये संशोधन जो 2022 में आ रहा है, जिसमें चार जनपद के रहने वाले गोंड, धूरिया या इस समाज के लोगों को शेड्यूल कास्ट की सूची से शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला जा रहा है, अगर इसके पहले भी कोई बिल आया था और कोई संशोधन हुआ था मोदी जी की सरकार के पहले, तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था, जिस समय उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को शामिल करने का काम किया था। तो निश्चित तौर से आज चिंता है उस देश के, हमारे ट्राइबल्स रहने वाले आदिवासियों के, और उसके ही हितों को देखते हुए ये द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंडमेंट अमेंडमेंट बिल आया। आज भी जो उत्तर प्रदेश के संबंध में ये बिल है, ये उत्तर प्रदेश में ये प्राचीन काल से जो गौंड समाज के लोग हैं, या धूरिया समाज के, खरवार समाज के लोग ये निवास करते हैं, ये इनका प्रमाण 130 वर्ष के पहले जो गणना हुई थी ब्रिटिश काल में, उस समय गौड़ जाति की संख्या 1,24,504 थी, धूरिया जाति की संख्या 2,83,821 थी, खरवार की 33,922 थी। ये द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध इन 4 वैल्यूम्स बाउंड इन 2, वैल्यूम 2 इंक्लूड्स वैल्यूम 3 एंड वैल्यूम 4। ये डब्ल्यू क्रुक, उस समय के अंग्रेज ने जो एक पुस्तक लिखी थी, उसमें एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अनुसार जो उसमें साक्ष्य ग्राह्य है, और जिसको न्यायालय भी मानता है, उत्तर प्रदेश का शासन भी मानता है। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब जो 130 वर्षों के पूर्व, उस समय ब्रिटिशर्स काल में इन गौर समाज की, धुरिया समाज की, खरवार की जनगणना हुई थी, तो आज फिर इनकी इस तरह से एक स्पष्ट जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं और इनको एससी से एसटी में रखने का काम हमारी सरकार अगर कर रही है, तो एक उनको निश्चित तौर से उनके हक और हकूक की हिफाजत होगी अगर इन सारे जनपदों में होगा। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, आज हमारी सरकार निश्चित तौर से लगातार जिस तरीके से काम कर रही है हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये अपने आप में ये जो देश की, दुनिया की, इस देश की एक सबसे बड़ी गोंड कम्युनिटी को कहते हैं कि गोंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, तो मतलब दुनिया में ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन का है। आज भी इसको मानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में कम से कम शेड्यूल ट्राइब्स की जो आबादी है
वो 8.6% है। और जो पॉपुलेशन होगी कि आज इस देश में कम से कम ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको हम आदिवासी कहते हैं और जिनके हक हकूक की हिफाजत करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, वो लगभग 10.4 करोड़ की पॉपुलेशन है, 10.4 करोड़ की। और ये कम से कम 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी हैं जिनको हमने भारत के संविधान के 342 अनुच्छेद में इनको हमने रिकॉग्नाइज किया। तो आखिर भारत के संविधान में हमने रिकॉग्नाइज किया और आज वो 705 शेड्यूल ट्राइब्स के हक हकूक की बात करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आज प्रधानमंत्री जी, सरकारें तो लगातार बनती रहीं आज़ादी के बाद, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार का मोटो होगा, हमारी सरकार का उद्देश्य होगा, हमारी सरकार का लक्ष्य होगा या संकल्प होगा। वो संकल्प होगा सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे लगता है कि इसके पीछे केवल उनका मंतव्य रहा होगा कि हम दिल्ली में बैठते हैं देश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, लेकिन इन इन राज्यों को हम देखते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के वाकई विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग जो हैं, आज ईस्ट लुक का मंत्र दिया हमारे पूरी कैबिनेट के मंत्रियों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको ईस्ट लुक देखना चाहिए और अपने सभी मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट के मंत्रालयों में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतार सके, ये स्पष्ट निर्देश और सभी का दौरा रहता। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने फोकस किया उसके पीछे कहीं ना कहीं देश के तमाम राज्यों में रहने वाले उन आदिवासियों के भविष्य को लेकर के किया और उसको कि किस तरह से उनके कल्चर को कंजर्व किया जाए, किस तरीके से उनके हेरिटेज को कंजर्व किया जाए। और इसको हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि हम जो आदिवासी देश के रहने वाले 10.5 करोड़ लगभग 8.6% पॉपुलेशन है, तो इनको किस तरीके से इनके हक हकूक को। और इसीलिए आज हमारी मिनिस्ट्री ने, ट्राइबल अफेयर्स ने, पहली बार इस देश में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम एक राज्य में नहीं 10 राज्यों में स्थापना करने का काम किया है। बात तो करते हैं सरकारें आज बन जाती हैं आदिवासियों के नाम पे, दलितों के नाम पे, लेकिन उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भगवान बिरसा मुंडा को याद नहीं किया था। आज भगवान बिरसा मुंडा को, अभी माननीय मंत्री जी स्वयं उसी राज्य से आते, भगवान बिरसा मुंडा जी के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम और पार्क जो झारखंड में इनॉग्रेट हुआ, हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि वहां आज उनको एक आदिवासी के रूप में नहीं, एक भगवान के रूप में पूजने का काम है। खुद यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने उस रानी गेंडली जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम थी नुकांग में, मणिपुर में, आज कहाँ निगाह जाती थी, दिल्ली की सरकारें पहले रहती थी, लेकिन इतना बड़ा मणिपुर में जो हमारी रानी गेंडलू ट्राइबल फ्रीडम की मूवमेंट की फाइटर्स थी, उनका भी म्यूजियम बनाने का काम भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। तो इस तरह से आज जिस तरह के कदम उठाए गए, चाहे नेशनल हेल्पलाइन किया गया हो, बनाने का काम किया हो, और आप देखें कि आज बात करते हैं कि आदिवासियों की, लेकिन किस तरह से बजट हमने इंक्रीज किया है। आज ट्राइबल्स के लिए हमने पिछले साल के मुकाबले इस साल देश के उन आदिवासियों के कल्याण के लिए, देश की मुख्यधारा में ला करके सबका साथ सबके विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए 12.32% बजट को इंक्रीज करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं देश के आदिवासियों की तरफ से धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने ट्राइबल मिनिस्ट्री को, कि 8,451 करोड़ हमने इस साल इंक्रीज किया। और इस तरह से अगर हम 3 साल के बजट को देखें 2018-19 में, तो जहां 37,802 करोड़ हमारा बजट था पूरे देश के ट्राइबल्स के लिए, वही 2019-20 में हमारी सरकार ने उस 37,000 से 51,283 करोड़ का बजट किया है। ये हमें देश के आदिवासियों की चिंता है कि 51,283.53 करोड़, और फिर हमने उसको 52,024 करोड़ किया। और इस बार जो हम एसटीसी उसमें कंपोनेंट में हम कर रहे हैं, वो 87,500 करोड़ 22 और 23 में होने जा रहा। तो निश्चित तौर से उन देशवासियों की चिंता है। आज जो टोटल फंड एलोकेट हो रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, वो हमारे चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के हों, डिपार्टमेंट्स हों, वो उस तरीके से हम कर रहे हैं। और इस नाते निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से
इस बिल को लेकर के आए हैं। ये बिल 2002 में इसका पहला संशोधन हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इसको किया तो उस समय 13 जनपदों को रखा गया था, और 13 जनपद वो थे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2002। उस समय भी प्रदेश के इनकी स्थिति वाकई चाहे शैक्षणिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, बस से बदतर है, और उस समय भी ये बांध तो 67 से चली आ रही है, 70 से चली आ रही कि ये गौंड समाज के लोग, एक जो बड़ी संख्या में या धूरिया समाज के लोग, खरवार समाज के लोग थे, इनको शेड्यूल ट्राइब्स में रखा जाए। और उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गौंड कम्युनिटी को और उनकी उपजातियों को तो उन्होंने अमेंडमेंट करने का हमारी समाज तत्कालीन सरकार ने फैसला किया, तो फैसला करके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र, इतने डिस्ट्रिक्ट्स को कि वहाँ पे रहने वाले ये गौंड और धूरिया समाज के लोगों को इनको शेड्यूल कास्ट की सूची से शेड्यूल ट्राइब की सूची में रखा जाए, एक अपने आप में स्वागत योग्य कदम था। आज विपक्ष ने भी स्वागत किया, लेकिन उसके बाद अगर ये 2002 में अमेंड हो गया था तो बस्ती से अलग हुआ संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी से अलग हुआ डिस्ट्रिक्ट चंदौली, देवरिया से डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ कुशीनगर, और सोनभद्र से डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ संत रविदास नगर। ये आज के कई साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल पहले, 15 साल, 2002 के बाद। लेकिन ये सरकारें आपकी सरकार थी, अधीर दादा की सरकार थी, लेकिन ये चिंता नहीं थी कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब के जिले से अलग होकर के कोई नया जिला बन गया तो जब तक हम ये संशोधन नहीं करते, जब तक हम इसको नहीं यहाँ से रेटिफाई कराते, तो वो जिला फिर एससी की से चेंज रहे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि इन जिलों के गौंड समाज के, धूरिया समाज के लोगों को अब शेड्यूल ट्राइब का फायदा मिलेगा, तो वो फिर शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में चले गए, और ये बरसों से मांग चल रही थी, लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। आज जिस तरीके से गोंडवाना आंदोलन चला, आज इतनी बड़ी संख्या ये गौंड समाज के लोग केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आखिर इन सभी राज्यों में आज बड़ी संख्या में, हमने जैसा आपसे कहा, और उसके बाद ये सरकार ने तय किया, माननीय मंत्री जी भी पिछले दिनों गए थे, उस समय भी ध्यान आकृष्ट किया गया, और लगातार उस मांग को पूरा करने का काम आज किया कि फिर से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2002 अटल जी के बाद 2022 में मोदी जी के सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, और इन चार जनपदों को जो चंदौली है, कुशीनगर है जो गौतम बुद्ध की निर्माण स्थली है, संत कबीर नगर है संत रविदास नगर, अब ये शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब्स की श्रेणी में आ जाएगा, और इनको कम से कम इस अमेंडमेंट के बाद अब ये कम्युनिटी जो गौंड समाज की कम्युनिटी है, धूरिया समाज की कम्युनिटी है, इसको शेड्यूल ट्राइब्स का सारा फायदा इन चार जिलों में मिलने लगेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से हम इस बिल को लेकर के आए हैं, तो ये बिल जो हमारा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स उत्तर प्रदेश ऑर्डर 1967 और उसमें एसटी ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एससी ऑर्डर, इसको जो उत्तर प्रदेश के एप्लीकेशन में, क्योंकि आज का बिल, अभी इसके पहले आपने छत्तीसगढ़ का भी बिल पास कराया, आपने त्रिपुरा का भी बिल पास कराया, और उस छत्तीसगढ़ में के विषय आज रखे गए, जबकि छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है माननीय मंत्री जी आते हैं, तो आज पूरे देश की चिंता, पूरे देश के जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी चिंता के लिए हमारा बजट का एलोकेशन हो रहा है, बजट को इंक्रीज किया जा रहा है, योजनाएँ बनाई जा रही, और जिस तरीके से इस समाज के लोगों को किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि ये गौंड समाज जो था, ये अपने 4 ट्राइब्स में सब डिवाइडेड है, उपजातियाँ हैं, गौंड का एक राजगोंड है, एक मंडिया गोंड्स है, धुरबे गोंड्स है और कठुआर गोंड्स है, जबकि ये गौंड समाज को ये माना जाता है कि 1970 से उत्तर प्रदेश में जो डाटा अवेलेबल है और उसमें 2001 के जो सेंसस हुआ उसमें शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन था उस समय 1,07,963, जो 0.1% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन था 2011 के, और अब पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 0.8% हो गया,
तो आखिर ये है, मैं दो महत्वपूर्ण बातें माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक ये 13 जिला था, आपने 4 जिले और बढ़ा दिए 17 जिले, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो टेक्निकली है गोंड समाज के लोग वो 13 डिस्ट्रिक्ट के बजाय उत्तर प्रदेश के कम से कम 62 जनपद में पाए जाते हैं। तो इस पे विचार कर लीजिए कि अगर 62 जनपद में हैं और फिर केवल अगर आप 13 और 4 अगर जिस तरीके से हमारी सरकार ने किया, और एक चीज मैं और कह दूं कि अगर कोई गोंड समाज की लड़की अगर उसने किसी ऐसे जनपद में जो शेड्यूल ट्राइब्स के डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में 17 जनपद में नहीं आता, चाहे वो गोंड समाज के ही लड़के से शादी कर ले, उसके राइट फॉरफिट हो जाएंगे। तो आखिर हमारी इस सरकार के विधेयक से जो हम हकूक दे रहे हैं कि अगर गोंड समाज की, धुरिया समाज की, इस समाज की हमारी कोई बेटी है और अपने ही समाज की बेटे से शादी करती है, तो आखिर उसका हकूक केवल इसलिए कि ये 17 जनपद के बजाय दूसरे जनपद में वो शादी करके कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस अधिकार से वंचित हो जाए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अब जैसे हमारी सरकार ने उदारता पूर्वक, अटल जी ने 13 जनपद, 4 जनपद आपने जोड़ा है, तो इसको पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने का काम किया जाए। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये पूरे सदन की भी भावना है, क्योंकि जहां भी हमारे इस समाज के लोग हैं तो उनको वहां सर्टिफिकेट मिलने में क्या दिक्कत है। लेकिन आपको, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसकी बहुत कठिनाई थी, सरकार कटिबद्ध है कि जो हमारे धुरिया समाज के, खरवार समाज के हमारे लोग हैं उनको एसटी का सर्टिफिकेट मिले। एसटी के सर्टिफिकेट से निश्चित तौर से उनको जॉब का एक अलग रिजर्वेशन होता है, उनको बैंक्स में तमाम चीज़ों में, सारे चीज़ों में आरक्षण का लाभ है, और जो एक सरकार की मंशा है उनको अपलिफ्ट करने की, उस मंशा को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के बनने के बाद भी, उन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को, ये बीएल मीणा है प्रमुख सचिव, उन्होंने एक साफ कहा कि प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के गौंड जात की पर्याय भी कर दिया है कि धुरिया जात के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जात प्रमाण पत्र निर्गत किया जाने के संबंध में। तो एक स्पष्ट भी उत्तर प्रदेश का शासन का हो गया, शासनादेश हो गया कि जो हमारे धुरिया समाज के लोग हैं, गौंड समाज के लोग हैं, अभी तक गौंड का था, धुरिया के लिए भी एक स्पष्ट जियो हो गया, जो मेरे हाथ में ये जियो है, कि उनको भी एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जनपदों में क्या होता है कि जब हमारे धुरिया समाज के, गौंड समाज के लोग जाते हैं, तो जब एसडीएम के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे कि हमको जाति का प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट दे दें, तो वो कहेंगे नहीं, आप नहीं आते हैं, इस समाज के लोग यहाँ हैं ही नहीं है। वो कहते हैं कि कहार समाज में आप हैं, आप शेड्यूल ट्राइब्स में है ही नहीं, बैकवर्ड में नहीं। तो आखिर इस सरकार के विधेयक का जो मंशा है कि हम जो आदिवासी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स में हैं, गौंड हैं, धुरिया हैं, उनको हम निश्चित तौर से शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण का या उनको अधिकारों का लाभ देंगे, वो कहीं ना कहीं उस निचले स्तर के अधिकारियों, ये बात हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के भी समझ लेकर के, और सरकार की तरफ से साफ साफ स्पष्ट आदेश आ गया, ये पूरा एक जियो जारी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज ये प्रमाण पत्र कुछ जिलों में जारी कर देगा, कोई एसडीएम तहसीलदार आएगा वो जारी करेगा, दूसरा आ जाएगा तो वो कहेगा नहीं, आप इस समाज में नहीं आते। इसकी कैसे क्लैरिटी होगी, क्योंकि आज हम जब एक तरफ से इस विधेयक को हम पारित कर रहे हैं, इस विधेयक को में 4 जनपद जोड़ रहे हैं, तो जो दो महत्वपूर्ण इशू इन आदिवासियों के सामने आ रहा है, एक तो इसको संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, और दूसरा कि इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट कि जातियों, जो जनजाति का प्रमाण पत्र है वो जारी करने में इतनी कठिनाई होती है। आज हमारे उमाशंकर गौंड जी हैं जो इस समाज के अगुवा हैं, नेता हैं, उनको ये प्रमाण पत्र जारी हुआ। ऐसा भी होता है जिनको प्रमाण पत्र जारी हो गया, बाद में इन प्रमाण पत्र को किसी स्तर के अधिकारी खारिज कर देते हैं। इसको लेकर के किस तरह से वहाँ आंदोलन चल रहा है, किस तरीके, अब हमारे पास 2008 का है, 2002 में अटल जी ने इसको अमेंड किया, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी होना शुरू हुआ जनजाति का। जी, आप समाप्त कीजिए। करता हूँ मैं आपके लिए। तो आपके उस अनुसूचित जनजाति का, आप इधर एड्रेस करो, मिनिस्टर को नहीं, इधर एड्रेस अनुसूचित, हम भी तो मिनिस्टर आपके पास है, लेकिन अब चेयर मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल माध्यम से कर रहा हूँ। अब साहब
भावुक हो गया क्योंकि हमारे सौभाग्य है कि मंत्री जी को जिनको उत्तर देना उनके मैं करीब आ गया और ये मेरा सौभाग्य, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर लूँ। तो इस तरीके से ये तो आज इस तरीके की जो कठिनाइयाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि जब आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये हैं और आज देश के भी ये गौंड समाज केवल में उत्तर प्रदेश का बिल तो है, आज का बिल तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इंक्लूड करने का है कि उनको शेड्यूल कास्ट की श्रेणी से शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं अपने उत्तर भाषण में कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में गौंड समाज है, ये गौंड समाज हो, धुरिया समाज हो, खरवार हो, या ओझा हो, या पटारी हो, इतनी जातियाँ हैं, वो मध्य प्रदेश में भी रहती हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहती हैं, महाराष्ट्र में भी रहती हैं, आंध्र प्रदेश में भी रहती हैं, गुजरात में भी रहती हैं, झारखंड में भी आपके हैं, कर्नाटका में हैं, तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, मतलब देश के अधिकांश राज्यों में। और ये आज की कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी जो द्रविड़ी कहा जाता है, द्रविड़ियन ग्रुप के लोग कहलाते हैं। तो ये मतलब जो हूण द्रविड़ ये उस युग के काल के हैं। तो आखिर द्रविड़ियन ग्रुप के इस कम्युनिटी को, जो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी इज नोन, और ये कोई जगदम्बिका पाल का नहीं दृष्टिकोण, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी है उसमें साफ साफ दिया है कि इसमें। अच्छा। तो मुझे लगता है कि समाज के इस लॉन्ग टर्म से, या जो इतने दिनों से पूरे देश के लोगों की थी और आज हमारी सरकार इन ट्राइब्स के लिए काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि ये विधेयक के रूप में आया। आखिर ये चिंता इसके पहले की भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन उनको शायद थोड़ा भी दृष्टिकोण नहीं था, मतलब बहुत ही, मैं कहता हूँ, लिटिल या नॉमिनल। मैं खत्म कर रहा हूँ। इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उत्तर प्रदेश में गौंड समाज की, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि आज सरकार इस बात को ध्यान दे रही है और लगातार इस उत्तर प्रदेश में भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, या देश की योजनाएं बनाई जा रही हैं, प्रतिमा मंडल, इन चीजों से मैं चाहता हूं कि जो मैंने सवाल उठाए हैं, मैं जहां एक तरफ 1977 से इसको SC सूची में रखा था, लेकिन 2022 के बाद किस तरीके से है, लेकिन ये सक्षम अधिकारी इसको पूरा कर सकें। और मैं समझता हूँ आज ये सदन चर्चा कर रहा है देश के ट्राइबल्स का, या देश के उन लोगों का जो हमारे सभी इस इलाके में है, और उसके लिए आज मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। अच्छा। और निश्चित तौर से मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि इस ऐतिहासिक कदम